दिस इज योर फ्रेंड अमन हियर और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गूगल नेस्ट मिनी वर्सेस गूगल होम मिनी का डिफरेंशिएशन या फिर आप कह सकते हो एक कंपैरिजन, ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट कंपैरिजन दोनों के बीच का मैं आपको बतलाने वाला हूँ इस छोटे से 2 से 3 मिनट के वीडियो में। आपको पूरी तरीके से मैं डिटेल्स, फैक्ट्स, फिगर, प्राइस, अवेलेबिलिटी, फीचर्स, अपडेट्स क्या हुए हैं गूगल होम मिनी से लेकर के गूगल नेस्ट मिनी तक वो बतलाने वाला हूँ। सो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड डू मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है। चलिए हमारे वीडियो पे चलते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लंबा नहीं देखना है, आपको अगर डिटेल में पढ़ने की आदत है या आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है दोस्तों। हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, सो यू कैन डायरेक्टली गो टू द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज रीड दिस कंप्लीट आर्टिकल। ऑसम आर्टिकल दोस्तों वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो मैंने उस वेबसाइट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बेसिकली दोस्तों, इसे आप कह सकते हो इट्स एन क्वाइट अ सिंपल अपडेट और अपग्रेडेशन आप इसे कह सकते हो गूगल होम मिनी का, जो कि आपका अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है गूगल नेस्ट मिनी। ठीक है, अब इस अपग्रेडेशन में क्या फीचर्स, क्या प्लान्स, क्या प्राइस है, वो आपके सामने मैंने टेबल के फॉर्म में बताने की कोशिश की है। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो, अगर प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज के फैक्टर पे यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा खासा असर पड़ता है। 1,000 रुपये दोनों के बीच में डिफरेंस निकल कर सामने आता है। ठीक है ना, गूगल नेस्ट मिनी की चार्ज है 4,999 एंड इंडिया की बात करूँ मैं एंड गूगल होम मिनी कम्स इन 3,999। सो देयर इज अ गैप ऑफ 1,000 रुपीज। सेकेंड फीचर के अपडेट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो सेकेंड फीचर में जो है, जो नेस्ट मिनी की जो डायमेंशंस हैं वो थोड़ी बड़ी हैं, वो लार्ज हैं इन कंपेरिजन टू गूगल होम मिनी। अगर आप देखें तो ये करीब करीब 5.08 सेंटीमीटर टॉल है एंड 10.16 सेंटीमीटर वाइड था। लेकिन अगर उसी कंपेरिजन में बात करें तो आप मान के चल सकते हो नियर अबाउट 0.8 और 1 सेंटीमीटर छोटा था गूगल होम मिनी। तो ये फीचर अपडेट्स हैं। अगली बात करें अगर स्पीकर्स में, तो काफ़ी एक अच्छा अपडेट दिया गया है। स्पीकर्स काफ़ी पावरफुल है, 40% तक एक्स्ट्रा पावरफुल स्पीकर्स इसमें दिए गए हैं। बिगर और रिचर साउंड इससे आता है, जो कि पुराना वाला गूगल होम मिनी है उसमें भी साउंड लाउड एंड क्लियर था, लेकिन हाँ उतना परफेक्ट, उतना लाउड नहीं था जितना अभी वाले में है। माइक्रोफोन के व्यू से अगर हम बात करें तो माइक्रोफोन्स दोस्तों जो गूगल होम मिनी है उसमें 3 आपको दिए गए हैं एंड गूगल होम नेस्ट जो आपका है उसमें 3 दिए गए, गूगल होम मिनी में आपको 2 दिए गए थे। ठीक है ना, सी आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोफोन्स इसमें पुराने वाले में जो कि मिनी में 2 थे और इसमें 3 है। गूगल नेस्ट मिनी की बात करें तो उसके जो बेस हैं दोस्तों वो 2x स्ट्रॉन्गर है और उतना स्ट्रॉन्ग बेस आपको नहीं मिलता था पुराने वाले में। ये जो अभी आपको गूगल नेस्ट मिनी जो कि अपग्रेडेड है, वो उसमें वॉल माउंट फीचर भी दिया गया है। जहाँ तक मुझे पता है पुराने वाले में ऐसा कोई फीचर शायद अवेलेबल नहीं था। ब्लूटूथ के हिसाब से बात करें तो ये भी वर्जन 5.0 सपोर्ट करता है, तो ये अपग्रेडेशन माना जाएगा, जो कि पुराने वाले में वर्जन 4.1 चल रहा था। ओवरऑल बात करें दोस्तों तो ये गूगल होम मिनी का सब कुछ का अपडेटेड फीचर है और एक ये बेसिक फीचर है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके, आप इस वाले टैब पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए बाकी दोस्तों नीचे डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जो कि वीडियो में बतलाने से काफ़ी वीडियो लंबा होगा, इस वजह से मैंने कहा डिज़ाइन की कंपेरिजन है, एप्लीकेशंस एंड प्राइस की कंपैरिजन है, फीचर्स की कंपैरिजन है। ठीक है ना, सारी चीज़ें नीचे आपको मिल जाएंगी, तो आप जाओ वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों गूगल के बाद अमेजोन इको डॉट, वो भी आप लिंक मिल जाएगा यहीं पर कहीं, वो देखो, वो ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रेफरेबल है, प्राइस भी कम है और ज़्यादा एक रिलायबल और एक अच्छा अप्लायंस है। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो गाइज़।